तीन बार लगातार महामंत्री रहे राजस्थान के। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के भजन लाल जी तीन बार महामंत्री रहे हैं, पूरे संगठन का अनुभव है, कुशलता है और सफलतापूर्वक संगठन चलाया तो मुख्यमंत्री पद भी सफलतापूर्वक चलेगा, इसका भरोसा रहा। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा भी है डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आपने पुलिस और इंटेलिजेंसी को बहुत छकाया है पिछले 5 सालों में, तो क्या अगली गृहमंत्री के भूमिका के रूप में आपको देखा जा सकता है? मैं आपको पहले मैं उनमें से नहीं पद के पीछे भागू, पार्टी जो जिम्मेदारी दी है दे या न दे मैं तो मेरा काम करता रहूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा की यही पहचान है कि आम जनता और आम गरीब के लिए लड़ाई लड़ते रहे। प्रमोशन बाद में सीएम के रूप में आपके क्या आशय? तो और भारत भाई दिल्ली से बहुत धन्यवाद। रोल किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ में है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल जो है भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मंत्री हैं। किस तरह से देखते हैं राजस्थान के आगे का भविष्य? मीडिया को कहा था फैसला सरप्राइजिंग होगा, सरप्राइजिंग फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। और ऐसा नहीं भजनलाल जी एक बार एमएलए एक बार हुए, ये बात सही है, हुए हैं, लेकिन प्रदेश के तीन बार महामंत्री रहे, जिन्होंने पूरे प्रदेश को घुमा, पूरे प्रदेश का अनुभव है, सफलतापूर्वक वो प्रदेश को चला। दो डिप्टी सीएम राजस्थान के लिए वो भी अच्छे हैं, दिया कुमारी जी अनुभव है और प्रेम भैरवा अलग चेहरा। राजस्थान को कितने विकास के रूप में देखा जाएगा? आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सर जिस किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ में दौर से पहले ही इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था कि सरप्राइज होगा, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का नाम आया हर कोई शौक चौक गया है। सर संघर्ष तो आपने भी बहुत किया था, मैं देख रहा था 5 हफ्ते में मैं बाड़मेर से आता हूँ, मैं आपके संघर्ष वहाँ आपके लाखों की तादाद में युवा मुरीद है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री की रेस के अंदर बाबा सबसे आगे। मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा, राजनीति मांगा, काम के आधार पर जो पार्टी देती है वो मैं काम करता रहता हूँ। राजनीति में मैं काम करने के लिए आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, पद पाने के लिए नहीं आया, जो जिम्मेदारी पार्टी देती रहेगी वो काम करता रहूंगा, पद मिला या नहीं। बाबा जिस तरीके से मिशन में जुटे हुए थे पिछले 5 सालों में, तमाम तरीके से बहुत सारे घोटाले उजागर किए थे, अब क्या वो अंजाम तक पहुंचे? आगे भी बिल्कुल पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी का काम है भ्रष्टाचार पर कांग्रेस। अच्छा बाबा क्या लग रहा है जिस तरीके से इस मुख्यमंत्री है अब क्या लग रहा है आगे किस तरीके से? अच्छा थैंक यू। अब देखिए